झरिया के सुदांडी कोल डंप से सीओ ट्रकों में मैनुअल लोडिंग बनाम लोडर लोडिंग का विरोध कर रहे हैं गुट, आज आपस में ही उलझ गए। जमकर लात घूसे चली, तकरीबन 20 मिनट तक मोहलबनी भौरा स्टेशन गेट से लेकर एएसपी कोलियरी के गेट तक अफरा तफरी मची रही। लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी करते रहे। डिनोबली मोड़ चंदन क्यारी रोड रन क्षेत्र बना रहा। मारपीट होने से रोड से आने वाले वाहन सवार भी भय से इधर उधर भागने लगे। बाद में इस बात की जानकारी सुदांडी पुलिस को दे दिया। सुदांडी थाना प्रभारी तत्काल अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, लोगों को तितर बितर किया। वहीं बाद में किसी प्रकार मामला शांत हुआ, अन्यथा आज कोई बड़ी घटना हो सकती थी। बताते चले कि कुछ दिन पूर्व धरना प्रदर्शन और विरोध को देखते हुए जोरा पोखर के सर्किल इंस्पेक्टर अखिलेश प्रसाद ने सुदांडी थाने में सभी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर सख्त आदेश दिया था कि कोई भी लोडिंग पॉइंट पर प्रदर्शन नहीं कर सकता है, दो चार आदमी वहां रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैनुअल लोडिंग और पिलोडर लोडिंग के मामला को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जबकि प्रेस से लोग पहले ही कह चुके हैं कि कभी भी खूनी संघर्ष की संभावना हो सकती थी, जिसकी आज शुरुआत हो गई। जमकर लात घूसा आधी चले। वहीं आज मंगलवार को एक ट्रक लोडिंग के लिए आया हुआ था, जिसे संयुक्त मोर्चा के लोगों ने लौटा दिया। आइए देखते हैं संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष निताई महतो और भाजपा नेता उचित महतो और ग्रामीण संयुक्त मोर्चा के साधन महतो और ज्वाइंट फ्रंट के नेता अभिषेक सिंह क्या कहते हैं। वार्ता में जो हम लोग बात हुआ था साहब से कि हम लोग जो बोडी करवाना है मैनुअल, लेकिन उसमें सफल वार्ता हुआ नहीं। हम लोग मैनुअल होने के पक्ष में, कुछ लोग यहाँ पर करोड़ लेकर ला करके घुसा दिया, उसी को लेकर के आज यहाँ पे भीड़ जमा होगा। वही कारण जो भी हुआ लोग जो भीड़ रहेगा थोड़ा सा होता ही रहता है, क्योंकि कुछ लोग प्रयोजन पर जाकर तो घुसा दिए। हम लोग मैनुअल के पक्ष में, हम लोग चाह रहे हैं कि कोरोना के समय में यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, रोजगार की कमी है, रोजगार मिले यहाँ के लोगों को। व्यक्ति से लोग अपने स्वास्थ्य के लिए कोरोना निर्धार किया गया, तो लाजमी है कि थोड़ी बहुत लोगों को एक तरफ कोरोना का महामारी का समय है और इतना सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम बढ़िया उड़ाया जा रहा है, इस पर आप कैसा? तो क्या करेंगे लोग, हम लोग तो सभी जगह प्रशासन को बोले हुए हैं, जीएम साहब को बोले हुए हैं कि निरीक्षण कराया जाए, तो भूखे मरने से, कोरोना से मरने से अच्छा है भूखे लोग मरे। सरकार की बातों को अनदेखा कर रहे हैं? नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, हम लोग सरकार के साथ में हैं, प्रबंधक के साथ में है, प्रशासन के साथ में है। इस भीड़ से क्यों नहीं लगती है कि आप सरकार के साथ में? इस सरकार के साथ में हम लोग भूखे मर रहे, क्या किया जाए? भूखे मरने के उपाय क्या बताइए? भूखे घर में हम लोग मरे, क्या नाम है आपका? उचित मौत। साथ ही बताइए कि आपका अज्ञात लोग हैं, अभिषेक सिंह के द्वारा आप लोगों को बताया गया था और फिर लोगों जब हुआ तो फिर प्रोग्राम को लेकर चला गया। ये जरूर सुना गया कि मार्केट गलत चली तक हुआ, ये नोक झोंक हुआ, पातापाती हुआ थोड़ा बहुत। हम लोग तो प्रोडो के प्रोडो के खिलाफ में हम लोग हैं, लेकिन ज़बरदस्ती यहाँ पे किया जा रहा है कि फिर हम लोग प्रोडक्ट लोडिंग किया जाए, यहाँ गरीबों का हाथ को मारा जाए। हम लोग तो आज से मांग नहीं, हम लोग फिर जो है कुछ दिन पहले ही प्रतिक्रिया ये है कि उन लोग घोसलाबाजी है कि भाई हम मैनुअल लोडिंग के पक्ष में है, लेकिन बाद में प्रोडक्ट दिखा दिया जाता है। प्रदर्शन करने के लिए हम लोग बात इसलिए हुई है कि यहाँ पर हम लोग मैनुअल लोडिंग को लेकर के यहाँ पर मांग करते आ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर मशीन ला करके मशीन लोडिंग करना चाहते हैं, जिसका हम लोग ने विरोध कर रहे हैं कि भाई मैनुअल लोडिंग जब यहाँ बात हो रहा है, सब लोग का मांग था मैनुअल लोडिंग। अब कुछ लोग आकर के ग्रुप बना करके कुछ लोगों को बाहरी लोगों को ला करके पेलोडर ला करके यहाँ पर पेलोडर से लोडिंग करना चाहता है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसी विरोध का हम लोग यहाँ पर सब लोग जुटे हुए हैं। इनके द्वारा आपका पेलोडर लगा यूनाइटेड फ्रंट के नाम से जो लोग कल तक मिनिमल लोडिंग करने की बात कर रहा था, आज वही लोग पेलोडर लोग ला करके यहाँ पर पेलोडर लोडिंग करना चाहता है, जिसका हम तमाम लोग संयुक्त मोर्चा के साथ साथ ग्रामीण मोर्चा जनता मोर्चे संघ दूसरी की ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा व अन्य जितना ग्रामीण लोग हैं सब लोग हम लोग इसका ऐसा ऐसा क्या ऐसा कोई नोक झोंक नहीं हुआ, वही लोग आकर के पेलोडर घोषणे के लिए जबरदस्ती दबाव बना करके खेल चाल करके पेलोडर घुसाने का प्रयास कर रहा था। और काफ़ी भीड़ जो कुछ लोग रोड कर लोग है देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग सोशल डिस्टेंस इसी को लेकर आप लोगों ने वार्ता किया था कि 10-10 अपने अपने संगठन का कोई
डिस्टेंसिंग का कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं और ना अवहेलना कर रहे हैं। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग पेलोडर का विरोध कर रहे हैं। मैनुअल लोडिंग ग्रामीण संयुक्त मोर्चा संयुक्त मोर्चा के साथ शुरू से ही हम लोग मैनुअल लोडिंग का ही डिमांड कर रहे हैं। बीच में हम लोग जीएम से वार्ता हुआ था, आपका क्वेश्चन को हमें आंसर दे रहे हैं। वार्ता में जीएम साहब हमको आश्वासन दिया था कि हम लिखित देंगे कि पिछला जो भी यहाँ से डीओ जो रोड सेल के थ्रू जाएगा वो मैनुअल लोडिंग के थ्रू होगा, लेकिन आज तक जीएम साहब या मैनेजमेंट हम लोग को लिखित नहीं दिया है कि आने वाला समय में यहाँ मैनुअल लोडिंग ही होगा। जब तक हम लोग का आश्वासन नहीं होगा, लिखित नहीं देगा, यहाँ से एक छटा कोयला भी ग्रामीण संयुक्त मोर्चा उठने नहीं देंगे। आज क्या नोकझोंक हुआ कि समर्थक के साथ आप यहाँ कुछ दलाल प्रवृत्ति के नेता है जो अपने आप को नेता कहता है लेकिन उन लोग नेता है नहीं, उन लोग ग्रामीणों के साथ छल करता है। यहाँ पीछे एक बगल में साइडिंग भी हो रहा है, वहाँ पर 14 को गांव का व्यक्ति काम कर रहा था, उस 14 को लेबर को बैठा के अपना 2 लोडर उस साइडिंग में लगा चुका है। यहाँ भी वो आया हुआ है कि मशीन से लोडिंग कराने के लिए, वो दलाल प्रवृत्ति के नेता को हम लोग कहना चाहते हैं ग्रामीण संयुक्त मोर्चा और संयुक्त मोर्चा की तरफ से कि किसी भी हालत में तुम्हारा मनसूबा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे और यहाँ से एक छटा कोयला भी मशीन से हम लोग लोडिंग होने नहीं देंगे, जिसके लिए हम लोग को जान भी देना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं है। करुणा से मरना है, भूखे भी मरना है, जब ग्रामीण को मरना ही है तो क्यों नहीं अपना हक लेके मरे। तो मतलब सरकार की बातों को अनदेखा कर रहे हैं आप? सरकार बोला है हर कोयला कोल इंडिया को बीसीसीएल को जहाँ भी कोयला का स्पेज होगा वहाँ मैनुअल लोडिंग के थ्रू कराने के लिए, लेकिन सरकार के बाद जब कोल इंडिया और बीसीसीएल नहीं मान रहा तो हम लोग को बाध्य होकर यह आंदोलन में कूदना पड़ रहा। सरकार साफ तौर से कह रही है कि किसी भी हालत में मैनुअल लोडिंग कराइए और प्रवासी को और ग्रामीण को रोजगार दीजिए। हम लोग बिना खा के और बिना कुछ करके ही मरेंगे तो क्यों नहीं कोरोना के महामारी से मरेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ साधन महतो, ग्रामीण संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति सदस्य। हम लोग किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। पिछले महीने वार्ता हुई है महाप्रबंधक साहब के साथ, हम लोग की जो वार्ता हुई है हम लोगों से पहले संयुक्त मोर्चा की वार्ता हुई थी। संयुक्त मोर्चा में जितने भी अन्य संगठन हैं इस क्षेत्र में, छोटे बड़े वैद वगैरह सारे संगठन इसमें हैं, तो उन लोगों की जो वार्ता हुई थी 22 जुलाई के वार्ता में उन लोगों से महाप्रबंधक ने आग्रह किया था कि कोयला उठाव की जो अवधि है, जो 45 दिनों की जो वैलिडिटी मिलती है, तो वैलिडिटी खत्म होने वाली है, इसलिए इस बार जो है कोयले से लोडिंग की अनुमति दी जाए, जिससे कि सभी लोगों ने एक मत होकर के संयुक्त मोर्चा के हर एक नेता ने एक मत होकर के ये निर्णय लिया था कि इस बार कोलेडर लोडिंग कराई जाए। ये जो आप कागज़ देख रहे हैं ये मिनट से 27/7/2020 को ये मिनट्स उस मीटिंग की है, जिस मीटिंग में आप देख सकते हैं कि सारे संयुक्त मोर्चा के नेता उसमें उपस्थित थे। उस मीटिंग में जो वाक्य इस्तेमाल किया गया है वो वाक्य आपको पढ़ के बता देते हैं कि मैनुअल लोडिंग के मांग पे सहमति से यह निर्णय लिया गया है कि बचे हुए समय में प्रबंधन आदेश के अनुसार उठाव करे, यानी कि लोडर लोडिंग का जो आदेश है। क्या कुछ कारण रहा कि नोकझोंक पर आप लोग? देखिए, नोकझोंक की बात तो हम उसको यही कहेंगे कि संयुक्त मोर्चा के जो लोग हैं वो प्रबंधन के सामने क्या स्टैंड है उनका, उनको तक मालूम नहीं है। मैनेजमेंट भी प्रबंधन भी इस बात पर कंफ्यूज है कि आखिर संयुक्त मोर्चा का स्टैंड क्या है। कभी वो लोग पेलोडर लोडिंग के लिए हामी भरते हैं, कभी वो लोग अपना पेलोडर वहाँ खड़ा कर देते हैं जैसा कि 18 जुलाई को हुआ था, कभी वो लोग फिर मैनुअल लोडिंग पर आ जाते हैं, कभी दो मैंने पुराने दुश्मन एक हो जाते हैं। अभी वहाँ पे ऐसे ऐसे मोर्चा में लोग जीते हैं जो कि जैसा कोई दूसरे को गाली देते हैं मैं सामने जीते हुए, तो नोकझोंक की बात तो वो लोग कह रहे हैं किस आधार पर कह रहे हैं। हम लोग तो वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ खड़े थे। बेवजह जो है टीका टिप्पणी परेशानी, इन लोगों की मंशा प्रबंधन तक तो स्पष्ट नहीं है, तो हम लोग तो